हमारे देश में और भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी कोई ऐसा ब्रांडेड परिधान पहना नहीं, जिसे देखकर देश की आम जनता ये समझे कि नेताओं की जीवन शैली उनसे अलग है। और ऐसे देश में राहुल गांधी जब ब्रांडेड कपड़ों में एक लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठ रहे हैं, एक वातानुकूलित यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, तो विवाद होना तो लाजमी है। क्योंकि आलिशान जीवन शैली गुजारने वाले ये नेता जब गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो देश की जनता इस विरोधाभास को पकड़ लेती है और देश की जनता को लगता है कि शायद उनके साथ एक मजाक हो रहा है। तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि वो जिस कांग्रेस पार्टी के नाम पर भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, उसकी विरासत क्या है। इस देश में आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी की जो यात्राएं हुआ करती थी, पदयात्राएं हुआ करती थी, आपको याद होगा महात्मा गांधी जब अपनी पदयात्राएं निकाला करते थे, वर्ष 1930 और साल 2022 की पदयात्रा देखिए कितना समय बदल चुका है। देखिए, एक वर्ष 1930 की कांग्रेस पार्टी है जब महात्मा गांधी निकले थे खादी की धोती पहने हुए, और एक 2012 की पदयात्रा है राहुल गांधी की जिसमें वो बर्बरी की महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनकर पदयात्रा करने के लिए निकले हैं। और देश में जब इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस राजनीति के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों का अक्सर हवाला देने लगती है। तो आज कांग्रेस पार्टी को यह बात तो जरूर चुभ रही होगी कि राहुल गांधी को उनके कपड़ों की वजह से क्यों निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आप याद कीजिए, जब वर्ष 2015 में, जनवरी 2015 में, तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही थी, तो उन्होंने एक खास सूट पहना था जिस पर लंबी लंबी पट्टियां बनी हुई थी पीले रंग की, और उन पट्टियों पर बहुत बारीक शब्दों में, बारीक अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ था। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर आलोचना की थी कि उन्होंने इतना महंगा सूट क्यों पहना है। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया था कि यह जो सूट है यह उन्हें किसी ने गिफ्ट किया था, उन्हें यह तोहफे में मिला था, और बाद में उन्होंने इस सूट को जो है ऑक्शन भी कर दिया था, इसकी नीलामी हुई थी, और उस सूट से मिला जो पैसा था उसे स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए दान में दे दिया गया था। एक और बात हमारे यहां गौर करने वाली है कि हमारे देश में लोग कैसे राजनेताओं को पसंद करते हैं। अब आपको यह बताते हैं, हमारे देश में लोग या तो सीधे साधे नेताओं को पसंद करते हैं जो कि उनके जैसे दिखते हों, जिनके पास सिर्फ खादी का कुर्ता पजामा उन्होंने पहन रखा हो, और या फिर हमारे देश में लोग बलशाली शक्तिशाली नेताओं को पसंद करते हैं। अभी तक ये दो बातें हमारे यहां सामने आई हैं। आपने देखा होगा वो नेता जिसके पास 15-20-25 गाड़ियों का लंबा सा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, SUVs का काफिला हो, जिसके पास सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हो, नारेबाजी हो रही हो, वो एक बलशाली नेता दिखाई दे, शक्तिशाली नेता दिखाई दे, एक राजनीतिक दबंग की तरह दिखाई दे, ऐसे लोगों को भी हमारे देश की जनता पसंद करती है। और या फिर बिल्कुल सीधे साधे लोगों को पसंद करती है, नेताओं को, जैसे कि ममता बनर्जी करती है। लेकिन अभी हमारे देश में वो युग नहीं आया है जहां हमारे देश के लोग स्मार्ट दिखने वाले, हैंडसम दिखने वाले, लग्जरी ब्रांड्स पहनने वाले, फिल्म स्टार जैसे दिखने वाले, या किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी जैसे दिखने वाले, या हीरो जैसे दिखने वाले किसी नेता को अभी अपने नेता के तौर पर वो स्वीकार कर ले। राहुल गांधी हो सकता है समय से पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हो, ये बात सही है। अगर आप आज फिर से तस्वीरें देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप राहुल गांधी की शख्सियत के बारे में बात करेंगे तो राहुल गांधी इन कपड़ों में, कुर्ते पजामे से ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरी निजी राय पूछें तो राहुल गांधी को असल में ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि इस परिधान में राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सहज लगते हैं। कुर्ता पजामा जब राहुल गांधी पहनते हैं तब वो असहज लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो कुर्ते पजामे के लिए बने नहीं। आज असल में राहुल गांधी ने ये ईमानदारी और सच्चाई के साथ एक प्रयोग किया, और जिन कपड़ों में वो अपने आप को सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं, जो कपड़े वो बचपन से पहनते आए हैं, आज वो वही कपड़े पहनकर आम जनता के बीच भी चले गए। अब यह अलग बात है कि उन्होंने बचपन से ही ऐसे ही कपड़े पहने हैं, उन्होंने बचपन से ऐसे ही महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी टी शर्ट्स और महंगी जैकेट्स पहनी है। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने एक बार बर्बरी की जैकेट पहनी थी,
और जब वो ये जैकेट पहनी हुई थी उन्होंने, तब भी बड़ा विवाद हुआ था कि वो इतनी महंगी जैकेट क्यों पहनते। लेकिन ये एक अलग तरह का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, और हो सकता है आज का जो युग है वो है इंस्टाग्राम का युग, टिकटॉक का युग। आज के जो युवा हैं, हो सकता है वो राहुल गांधी को इस रूप में देखकर उनके साथ एसोसिएट जरूर करेंगे। इस देश में एक वर्ग ऐसा जरूर है जो राहुल गांधी के साथ अपने आप को जोड़कर देखेगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही लोगों को समझता है, जानता है। और इसमें राहुल गांधी असल में अगर आप देखें तो एक नेता की तरह कम और एक फिल्म स्टार की तरह ज्यादा दिख रहे हैं, और अच्छे भी दिख रहे हैं, कुर्ते पजामे से ज्यादा हैंडसम इसमें दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो उन्हें इस परिधान में पसंद करेंगे, उनकी संख्या हमारे देश में बहुत ही कम है, शायद 1% भी नहीं होगी। और इसीलिए अगर कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं, राहुल गांधी तो यहां वोट लेने के लिए दिख रहे हैं, वोट की कैलकुलेशन में राहुल गांधी यहां पिछड़ जाएंगे अगर वो मौके के हिसाब से कपड़े नहीं पहनेंगे तो। क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो आज भी बहुत ही पारंपरिक और पुराने जमाने की राजनीति है। हाँ, इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी छा सकते हैं, सोशल मीडिया पर छा सकते हैं, और देश के जो युवा वर्ग हैं वो भी ऐसे ही नेताओं को पसंद करेगा आगे चलकर, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अभी बहुत कम है। तो हम आज यही कहना चाहेंगे राहुल गांधी को कि फिलहाल भारत की राजनीति की जो नब्ज है उन्हें उसे पकड़ने की जरूरत है, और जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है उनके और देश की आम जनता के बीच वो ये है कि राहुल गांधी आज 40,000 की टी शर्ट पहनते हैं और इस देश का जो औसत व्यक्ति है वो 10,500 रुपये महीना कमाता है, और 40,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी उस 10,500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी गरीबी का, बेरोजगारी का और बाकी समस्याओं का मुद्दा उठाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब वो व्यक्ति इससे प्रेरणा लेगा या इसे अपना मजाक समझेगा, ये बात राहुल गांधी के सलाहकारों को हमसे भी ज्यादा बेहतर पता होगी।